गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा AC और DC में क्या अंतर होता है। ये एक बहुत हॉट टॉपिक है और आपने मेरे काफी सारे वीडियो जो TikTok पे थे, इंस्टा पे थे, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया था, मिलियंस में व्यूज थे, उसके लिए थैंक्स। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले मेरे बच्चे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, या जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो AC और DC से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन क्या पुट अप होते हैं, और छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण उनका कई बार सिलेक्शन रुक जाता है या अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाती, मेरिट में नहीं आ पाते वो बच्चे। तो आज मैं आपको बताऊंगा AC और DC में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात AC, देखिए AC दोस्तों, इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है? अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंसेस क्या है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट होती है ये। अल्टरनेट मतलब देखिए, इसमें और इसमें सबसे मेन बेसिक डिफरेंस होता है, यहां तो दोस्तों दो टर्मिनल होते हैं, पहला जो होता है फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल, ठीक है? आपने सुना होगा। और फेज भी हमारे पास में तीन होते हैं, R, Y और P, ठीक है? फेज और न्यूट्रल दो चीज याद रखनी है आपको। जबकि डायरेक्ट करंट में कोई फेज या न्यूट्रल नहीं होता, यहां दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसको अगर आपको देखना हो तो आप हमारे कोई भी बैटरी में या सेल में देख सकते हैं, ठीक है? मोबाइल की बैटरी या घड़ी में जो सेल लगते हैं उसमें प्लस और माइनस लगा होता है, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है? एक चीज मेन डिफरेंस, ठीक है? फेज में यहां क्या होता है, फेज और न्यूट्रल, फेज में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। सेकंड चीज ध्यान देने वाली चीजें हैं जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? अब यहां भी क्या होता है, वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? वेव फॉर्म्स। और यहां भी होते हैं, ठीक है? कैसे? देखो, अगर मैं करंट या वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाऊं, मतलब वोल्टेज और टाइम में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, या करंट और टाइम में ग्राफ बनाऊं, तो वो मेरा ग्राफ बनता है ऐसे वेव की फॉर्म में। एक हाफ पॉजिटिव साइकिल होती है, हाफ नेगेटिव साइकिल होती है। जबकि यहां अगर मैं वेवफॉर्म बनाना चाहूं तो वोल्टेज या करंट के और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये मेरा कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? अब यहां आपको एक मेन चीज समझनी पड़ेगी। देखो, वोल्टेज और करंट के और टाइम के बीच में जब मैंने ग्राफ बनाया तो हाफ पॉजिटिव साइकिल मिली मुझे, हाफ नेगेटिव साइकिल मिली, और यहां कांस्टेंट मिली। इंडिया में क्या है दोस्तों, इंडिया में जो मेरी घर में AC आती है, पावर हाउस से जो मेरे घर में AC आती है, जिससे फ्रिज चलता है मेरा, टीवी चलता, जिससे मेरा फ्रिज चलता है, मोटर चलती है, कूलर चलता है, ठीक है? तो ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, ये 50 हर्ट्ज की होती है फ्रीक्वेंसी। किसकी? AC की, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि हम यू बोलेंगे कि DC या डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। DC या डायरेक्ट करंट में देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, 50 हर्ट्ज मतलब ये साइकिल मेरी, ये वेवफॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता जाऊं, ठीक है, तो ये वेवफॉर्म आगे चलती जाएगी। ये एक साइकिल हो गई मेरी, मैं ये जो मेरी ये साइकिल है, यहां से यहां तक की ये एक साइकिल है, यहां से यहां तक की ये मेरी दूसरी साइकिल है, यहां से यहां तक की ऐसे मेरी तीसरी साइकिल, ऐसे चलती जाएगी। ये फर्स्ट,
ये सेकंड, ऐसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो एक सेकंड में 50 साइकिल रिपीट होती हैं। ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब, क्या कि एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल रिपीट होती हैं, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव वाली जो एक कंप्लीट साइकिल है वो एक सेकंड में 50 बार रिपीट होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बीएफडी काम में ले लूं, आपने सुना होगा बीएफडी, इसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, मतलब मैं इससे मेरी फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल कर सकता हूं। मतलब 50 हर्ट्ज है तो अगर मुझे 40 हर्ट्ज करनी है, 30 करनी है, 20 करनी है, 10 करनी है, 1 हर्ट्ज करनी है, तो मैं इस बीएफडी से कर सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज में चेंज कर दूं तो इसका ये मतलब हुआ कि एक सेकंड में मेरी एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक साइकिल रिपीट होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहां पे कोई बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब अगर ग्लो करेगा, जलेगा, तो ये कंटिन्यूस, आपको तो जलता हुआ दिखाई देता है कंटिन्यूस, लेकिन ये कंटिन्यूस जलता नहीं है। ये एक सेकंड में 50 बार तो ऑन होता है और 50 बार ऑफ होता है, दिखता नहीं है अपने को। अब एक सेकंड में 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ, हमारी आंखें मेजर नहीं कर सकती इस चीज को। लेकिन अगर आपको मेजर करना है तो बीएफडी लगा करके, आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगा करके इस फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक सेकंड में एक बार तो ऑन होगा ये और एक बार ऑफ होगा ये, फिर आप आराम से इसको देख सकते हैं। समझ गए मेरी बात? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फिक्स है, यहां कोई अल्टरनेट, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। डायरेक्ट करंट, वोल्टेज और करंट दोनों टाइम के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट होते हैं यहां पे। इस चीज को समझे, फ्रीक्वेंसी को समझे, क्लियर है? अब देखो ये मेरा एसी और डीसी का मेन डिफरेंस है। आगे एक और चीज बताता हूं आपको, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर ले, पॉज करके, ठीक है। देखो अब दोस्तों क्या है, अगली चीज क्या है, देखो एसी में वोल्टेज या करंट, वोल्टेज या करंट की वेवफॉर्म्स होती है, टाइम के साथ में अगर ग्राफ बनाऊं तो इसी हिसाब से चेंज होती है, वोल्टेज और करंट इस हिसाब से चेंज होती है। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होती है, चाहे वोल्टेज का हो कांस्टेंट रहेगा, या करंट के साथ में अगर टाइम का ग्राफ बनाऊं तो भी कांस्टेंट रहने वाला है, क्लियर है ना? अब एक चीज होती है पावर फैक्टर, कई बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, कई बार क्या होता है वोल्टेज और करंट साथ चल रही है, क्लियर, लेकिन अगर वोल्टेज और करंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये जो अंतर है ये डिफरेंस है, क्लियर है। या कई बार क्या होता है वोल्टेज और करंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये क्लियर, ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम पावर फैक्टर, ठीक है। जबकि यहां तो कोई डिफरेंस नहीं आता, कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो यहां तो पावर फैक्टर होता है, यूनिटी या वन, ठीक है, लेकिन यहां पावर फैक्टर होता है। अब हमारे घर में एसी आ रही है, अगर उसका पावर फैक्टर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, यूनिटी से ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम कम करके हमारे बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं, क्लियर। पावर फैक्टर आपको मीटर में देखने को मिल जाता है, आप अपना जो मीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर उसमें देखेंगे पावर फैक्टर पीएफ आ जाता है वहां पे। तो पीएफ को यूनिटी के आसपास अगर आप रखते हैं तो आपके घर के बिजली के बिल में भी बहुत सारी बचत होती है। और एक मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एसी में अगर इंसान को शॉक लगता है
तो एसी क्या करती है, एक झटका देती है, ठीक है, एक जर्क देती है, ठीक है। और एसी की अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो, 50 हर्ट्ज इंडिया में आती है ना, अगर वोल्टेज हाई हो तो दोस्तों यहां पे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो सकता है, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, जो भी विक्टिम है उसकी, ठीक है। जबकि डीसी भी खतरनाक होती है, समझे मेरी बात। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं संजय पारिक एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक इंटरव्यू से रिलेटेड पढ़ने हैं, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।